म्यूजिक सुन मेरी बात, यार मेरी गर्लफ्रेंड के लिए है और ये मैंने ही मंगवाया, तू समझ ना मेरी सेटिंग है, ऊपर तू जाएगा सब बिगाड़ देगा, मेरे को करने दे, तू समझ रहा है ना, तूने भी तो कभी किसी को पटाया होगा। सर है ना, तीन तीन ठीक है सर है। और गांव में एक बीवी भी, और गांव में एक बीवी भी, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। मेरा बेटा है वो, माँ उसकी, मैंने पैदा किया है, मेरा बच्चा ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। A few moments later. देखा आपने लापरवाही का नतीजा। जो कहूंगी सच कहूंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। तो माधुरी जी, 14 फरवरी को रात 9:30 बजे आपने क्या देखा, प्लीज कोर्ट को बताइए। जी मैं बालकनी में कपड़े उतारने गई थी। क्या क्या बात कर रही हो? मंजू भैया नीचे बैठ जाओ, वो तार पे से सूखे हुए कपड़े उतारने की बात कर, नीचे बैठ। औरतें कहती हैं 4 शादियां क्यों करते, इसलिए कि औरतें ज्यादा हैं मर्द कम हैं, और औरतें मरती भी कम हैं। क्यों 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 नहीं मरती, मुझसे पूछिए क्यों नहीं मरती, पूछिए क्यों। मेकअप, सारा दिन मेकअप करके घूमती हैं, रात को मुंह धो के सो गई, मौत का फरिश्ता आया देखा, अरे ये तो कोई और है, बच गई। अंकल राम राम, अनुभव है? बेटा 7 बच्चे हैं मेरे, अनुभव तो बहुत है। कौन पूछ रहा है, तेरी मम्मी? म्यूजिक चाहती थी कि मेरे वजह से राम किसी मुसीबत में पड़े। खैर अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं तो क्या ही फर्क पड़ता है। अरे उन दोनों की सेटिंग थोड़ी चल रही है, बजाना तो आज भी तुम्हें चाहता है वो, बजाना तो आज भी तुम्हें चाहता है वो। रणवीर की पॉकेट में मैं चेक करना चाहूंगा, रणवीर ने आज बेल्ट नहीं डाली, सॉरी एक सेकंड, रणवीर की पॉकेट, मेरे पॉकेट में रॉकेट है, मेरे पॉकेट में रॉकेट है। एक सेकंड, ये रॉकेट बड़ा छोटा है, एक सेकंड, ये रॉकेट पक्का है? एक बटन दबा के बड़ा भी होता है। भूमिका, अरे भूमिका भ, हाँ वही तो बोल रहा हूँ, भूमिका। तो भाई भाई भोसड़ी वाला भ, शादी होगी आपकी? जी मेरी होगी शादी। देखिए मैंने 3 शादी आपको बताया, लॉकडाउन किस तरह गुजरा आपका? बहुत बुरा गुजरा, बहुत ज्यादा खर्चे की वजह से भी तंग थे, क्योंकि आपको पता है 3 शादी हैं। कौन सी बीवी ने तंग किया, पहली ने किया, दूसरी ने किया, तीसरे ने किया? मैं खुद तंग था उनसे। आप कैसे तंग आ गए थे? तंग इसलिए आ गया था कि कोई आमदनी थी नहीं, खर्चा बहुत ज्यादा था। एक ही घर में रहती हैं तीनों? हाँ एक ही कमरे में हम तीनों, चार एक कमरे में रहते हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो, एक कमरे में सोते हैं, एक ही कमरे में तीनों बीवियां और एक एक बार बारी आती है ना, 2 जनियों को बांध देता हूँ। वाह क्या सीन है, आती क्यों है हर दिन? नहीं वो भी जरा आपको बता ना, नींद की गोलियां खिला देता हूँ उनको, 2 को नींद की गोलियां खिला के, सबकी बारी बारी लगी हो ना। क्या मुझे एक चीज समझ नहीं आती, तुम लोग मुझे बोलते हो कि मैं लड़कों का काटती हूँ, मैं बॉयफ्रेंड चेंज करती हूँ, तुम लोग शॉपिंग पे जाते हो, तुम कपड़े ट्राई करते हो, पसंद नहीं आता तो छोड़ देते हो ना, इसका मतलब तुमने कपड़ों का काट दिया, उन्हें धोखा दे दिया। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। हाँ तो मैडम जब हमें कोई कपड़ा पसंद नहीं आता है ना तो हम उसको मॉल में ही ना बोल देते हैं, 2 दिन पहन के वापस नहीं करते उसको। लाल
लड़की खूबसूरत हो और लड़का कामयाब हो, प्यार दो मिनट में हो जाता है। वो अप्सरा कौन आई थी? कौन अप्सरा? अरे भाई 6996 i10, नीले बाल, 5'6" हाइट और गले पे 3-4 मोल्ड। साइको है क्या यार? प्रिवेसी नाम की चीज होती है। दिल कौन गिन, दिल गिन रहा है यार तू? सॉरी यार, 5 होंगे, मतलब वो गलती हो सकती। बड़ा हरामी हो। चलता हूँ उनके पास जिनके मैं मजनू हुआ पड़ा था। 3 से 4 साल उस लड़की के पीछे लगा रहा और उसके बाद उसने कोई हाथ पल्ला पकड़ाया और आज मेरी शादी हुई है। उनसे बात करते हैं जी। बताइएगा कि आज शादी है आपकी मेरे साथ, इस हवाले से आपका क्या कहना है? मैं खुश हूँ। सिर्फ खुश है और कुछ नहीं कहेंगी? नहीं, और कुछ नहीं कहूंगी। के लिए स्पोर्ट्स कार्स लेके आया, हैवी बाइक्स लेके आया, इस हवाले से आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने मेरी पहली ख्वाहिश पूरी की। मैं उम्मीद करती हूँ आप आगे भी मेरी इसी तरह सारी जिंदगी सारी ख्वाहिशात पूरी करेंगे, मुझे बहुत खुश रखेंगे। बिल्कुल, जैसा कि औरत है और औरत हमेशा यही सोचती है कि उसका हस्बैंड उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा। हम कोशिश तो पूरी कर सकते हैं लेकिन कभी भी औरत की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सकते। आंटी, क्या आपको भी नन्ही परी होने वाली है? मेरे मम्मी पापा तो रोज रात को 2 घंटे रूम लॉक करके प्रार्थना करते हैं कि मुझे बहन हो। क्या आप दोनों भी रात को प्रार्थना करते हो 2 घंटे? समझ रहे हो? टपा टप टपा टप टपा टप ना। देख, मान ले कि तेरी कोला की पेट बॉटल है और वो ऊपर तक भरी है। अब तू उसमें से शैंपेन की तरह फवारा निकालना चाहता है तो तू अपनी पेट बॉटल देता है अपनी ड्रीम गर्ल के हाथ में, लेकिन जैसे ही वो उसे पकड़ती है तेरा सारा फिज पुश करके निकल जाता है। पता क्यों? क्यों? क्योंकि ढक्कन ढीला है। जो भी इस चांद का टुकड़ा सबसे पहले यहाँ पे लेके आएगा तो मेरा शौहर बनेगा। कुछ भी? चांद का टुकड़ा मतलब चांद को जमीन पे लाना पड़ेगा? अमन, अमन ने चांद का टुकड़ा तोड़ दिया। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? यहाँ पे क्या करने आया है? मेरी बात, हम यहाँ पे क्या करने? करिश्मा, what the fuck are you doing here? तुम अपना फोन भी नहीं उठाते, तुम्हारा सब कुछ उठना बंद हो गया क्या? गजब बेइज्जती है। तेरा प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं, प्रॉब्लम तुझे है, खड़ा तेरा नहीं होता। होता है जब सामने ढंग की लड़की हो ना तब।